हे व्हाट्स अप यूट्यूब, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे विंगिंग स्केपुलर की। विंगिंग स्केपुलर की और बात करने का मकसद ये कि विंगिंग स्केपुलर बहुत कॉमन है जिम के अंदर, लड़के एक्सरसाइज करते हैं उनमें बहुत कॉमन हो गया और नॉर्मली भी बहुत कॉमन है। लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका स्केपुलर विंगिंग है, फिर उनको आगे इंजरी कॉज होती है और उनको पता ही नहीं चलता कि उनके साथ मसला क्या था असल में। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि ये होता क्या है, कैसे होता है, आपको कैसे पता लगेगा। क्योंकि वर्कआउट करने से पहले, जिम जाने से पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से एक चीज़ ये है कि विंगिंग स्केपुला आपका है या नहीं है। तो इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, साथ में बेल आइकन होगा, दोनों को दबाइए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो आपको मेरी मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सेम नाम से मेरा अकाउंट डेट था फिटनेस के नाम से, यहाँ साइड में आ रहा होगा, जाइए फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप वहाँ मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि विंगिंग स्केपुला बेसिकली होता है क्या। जो आपके शोल्डर ब्लेड हैं स्केपुला, इस तरह से आपके बैक साइड पर जो ब्लेड्स हैं, अगर वो थोड़े आउट आ रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं, या आपको शोल्डर की मूवमेंट प्रॉब्लम हो रही है, तो शोल्डर विंगिंग का आपको मसला हो सकता है। ठीक है, अब इसको आपको एनालाइज कैसे करना है या आपको देखना कैसे, आप इसका छोटा सा तरीका होता है, आपने सीधा खड़ा होना है या दीवार को हल्के से पुश करना है और किसी को कहना है कि आपके स्केपुला के अंदर अपना हाथ ले जाने की कोशिश करें। अगर आपके हल्का फुल्का स्केपुला में हाथ जा रहा है तो आप, इसमें ग्रेड्स होते हैं कि आपको ग्रेड वन का स्केपुला विंगिंग हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा जा रहा है तो ग्रेड टू का, या अगर बहुत चारों उंगलियां अंदर चली गई हैं तो ग्रेड थ्री का भी स्केपुला विंगिंग आपको हो सकता है। अक्सर ये इंजरी भी हो जाती है इसकी, ठीक है, स्विमिंग में या आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह है उसमें भी इंजरी हो सकती है, या फिर लोगों का जो वैसे नेचुरली वीक हो जाता है काम कर करके, बहुत ज़्यादा आप शोल्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं या स्केपुला का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका सेरेटस इंटीरियर का मसल वीक हो जाता है। यहाँ मैंने नाम ले लिया सेरेटस इंटीरियर। सेरेटस इंटीरियर की असल में बात करनी थी। सेरेटस इंटीरियर वो मसल है जो आपका स्केपुला का वेंट्रल पार्ट जो है, आगे का हिस्सा, उसको रिब केज से अटैच करके रखता है। अगर ये वीक हो जाएगा तो आपका जो स्केपुला है वो या तो आउटर की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ। तो इसी, यही जो मेजर मसल है सेरेटस इंटीरियर, ये आपके स्केपुला को अटैच करके रखता है और आपको हेल्प करता है आपके शोल्डर्स वगैरह की मूवमेंट में। शोल्डर की मूवमेंट में जब शोल्डर से हाई मूवमेंट लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं शोल्डर को, तो यहाँ पर आपका स्केपुला इन्वॉल्व होता है। ये शोल्डर की आपकी रेंज है। जब आप इससे ऊपर अपने हाथ को लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपका स्केपुला जो होगा इन्वॉल्व होगा उसको ऊपर ले जाने में। तो अगर आपका सेरेटस इंटीरियर वीक होगा तो यहाँ पे भी आपको मसला आएगा, आपका शोल्डर से ऊपर नहीं जाएगा। यही मेरे साथ हुआ था, मैंने वीडियो डाली थी अपने शोल्डर इंजरी की। तो मेरा ग्रेड वन का सेरेटस इंटीरियर वीक था और स्केपुला वीकिंग थी मेरी ग्रेड वन की। तो मैं एक्सरसाइज कर रहा था, मुझे कोई मसला नहीं होता बीच में, लेकिन एक टाइम के बाद मेरी इंजरी हुई शोल्डर की। मैंने दिखाया, सब पता चला, तो बाद में पता चला मुझे कि असल मसला तो मेरा बैक से था, पीछे से। क्योंकि हम शोल्डर के एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसी भी मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि सिर्फ हमारा वो एक मसल इन्वॉल्व है, जबकि ऐसा नहीं है। उसके पीछे जो दूसरे मसल हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, या जो मसल की जो फायरिंग रेंज है वो अलग होती है। जैसे अगर मैं शोल्डर उठा रहा हूँ तो मेरा स्केपुला, मेरा सेरेटस इंटीरियर और मेरा लिवेटर स्केपुला, ये सारे मसल्स इसके साथ अटैच्ड हैं, जिसकी शोल्डर की मेरी हेल्प कर रहे हैं शोल्डर को मूव करने में। अगर इनमें से कोई मसल वीक होगा या कोई इसी मसल की कोई इंजरी होगी तो मुझे शोल्डर मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी। तो मेरा ग्रेड वन का मसला था मेरा, फिर वो ठीक हुआ, शोल्डर का मसला ठीक हुआ, अभी फिलहाल ठीक है। अब मैं अपने सेरेटस इंटीरियर की एक्सरसाइज करता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा इसी वीडियो में। 3 से 4 एक्सरसाइज आपको बताऊँगा जिससे आप अपने सेरेटस इंटीरियर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आपको कैसे पता लगेगा, असल में होता ये है कि जो सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर्स हैं और जो अच्छे जिम हैं वहाँ पे फिटनेस असेसमेंट टेस्ट होता है। जब भी कोई क्लाइंट आता है तो उसका एक असेसमेंट लिया जाता है, छोटी मोटी उसके एक्सरसाइज करवाई जाती हैं। जैसे स्क्वाट्स है, आपका फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट है, या आपके जी स्केपुला विंगिंग का टेस्ट होता है, ये सब कुछ टेस्ट वहाँ लिए जाते हैं। जो आपका ट्रेनर है वो ये सब कुछ देखेगा कि आपका कहाँ कोई मसला तो नहीं है या आपको किसी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, फिर उसके बाद आपका वर्कआउट शेड्यूल ट्रेन डिज़ाइन करेगा। बट हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, हमारे जाते हैं और जाते ही साथ ही एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, भले ही पोस्चर सही आता हो नहीं आता हो, लेकिन करनी होती है। क्योंकि हम लोगों के पास से पैसे नहीं निकलते ट्रेनर्स के, क्योंकि हमें सब लगता है कि हम सब कुछ खुद ही कर लेंगे। अगर आपके पास नॉलेज है और एक्सपीरियंस नहीं है तब भी कोई फ़ायदा नहीं है उस नॉलेज का। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है नॉलेज नहीं है तब भी उस एक्सपीरियंस का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने कोशिश ये करनी, मैं हमेशा एक अपनी वीडियो में कहता हूँ कि आप जब भी बिगिनर हैं, आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप एक ट्रेनर हायर करें, एक अच्छा सर्टिफाइड ट्रेनर अपने पास साथ रखें। सो अब आप इस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। मैं आपको एक्सरसाइज बताऊँगा सेरेटस इंटीरियर की, कि आपको उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो इसको आपने फ्लोर के ऊपर परफॉर्म करना है एक्सरसाइज को। सेरेटस इंटीरियर के लिए आपने मैट पर ऐसे पुशअप पोजिशन में आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने से अपनी बॉडी को नीचे लेके जाना है और ऊपर लेके आना है।
ये स्ट्रेच करना है, ये कॉन्ट्रैक्ट करना है, इससे आपका जो सेरेटस इंटीरियर का मसल है वो स्ट्रेंथन होगा। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब आते हैं सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। इसमें आपने प्लैंक पोजीशन में आना है, ये प्लैंक पोजीशन है और सेम आपने ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। बॉडी को नीचे लाना है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज जो है वो डॉल्फिन पोज है। आपने अपने हाथों को ऐसे रखना है और 1 2 1 2। मैक्सिमम स्ट्रेच करना है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट। तो ये थी कुछ एक्सरसाइजेस, ये चाहें तो आप लोग अपने बैक वर्कआउट वाले दिन भी परफॉर्म कर सकते हैं। वापस आते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, ये थी कुछ एक्सरसाइजेस कैपुला की विंगिंग को ख़त्म करने की, सेरेटस एंटीरियर को स्ट्रॉन्ग करने की। मैं आखिर में एक बात कर लेता हूँ, आप लोगों के दिमाग में सवाल आएगा ज़रूर कि मेरे साथ ये मसला क्यों आया था। मैं तो वर्कआउट करता हूँ, जिम जाता हूँ, ट्रेनिंग कब से कर रहा हूँ, फिर मेरे साथ क्यों हुआ था। बेसिकली हुआ ये इसलिए था, ये होता है इस वजह से क्योंकि हम ज़्यादातर जो एक्सरसाइज करते हैं वो मिरर मसल की करते हैं, या जो जिम के अंदर मशीन्स अवेलेबल होती हैं उसकी करते हैं। हम स्मॉल मसल्स को हिट नहीं करते, जो सपोर्टिव मसल होते हैं, जो हमारे बड़े मसल्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं, हम उनकी एक्सरसाइज करनी ही करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। ये तो किसी एक सर्टिफाइड ट्रेनर को पता है कि आपका कौन सा मसल किसको सपोर्ट कर रहा है, ये हमें नहीं पता होता। इस वजह से मुझे भी नहीं पता था, तो मैं लैट पुल डाउन वगैरह है, बैक की जितनी एक्सरसाइज वो करता था, लेकिन मैं जो छोटे मसल हैं जो उन मसल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनकी एक्सरसाइज नहीं करता था, जैसे सेरेटस इंटीरियर। अब मेरे जो बैक के मसल्स हैं, ट्रेपीजियस वगैरह हैं, रोम्बॉइड वगैरह, ये अच्छे डेवलप होते गए, मगर इनको सपोर्ट करने वाला मसल जो है लैटिसमस डॉर्साई मेरा वीक है, इसी तरह से मेरा सेरेटस इंटीरियर वीक है। अब मेरा जो अपर मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते गए और नीचे के मसल जो हैं वीक रहे, मैं उनकी एक्सरसाइज करता नहीं था। सो ये होता है मसल इम्बैलेंस। इसकी वजह से जो होता है वो आपके मसल्स में इंजरी या किसी भी तरह का कोई मसला आ सकता है, क्योंकि एक मसल आपका स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, दूसरा आपका वीक होता जा रहा है। तो इसका आपने ख्याल रखना है, आपने कोशिश करनी है कि अगर जैसे आप अगर कोई शोल्डर की वर्कआउट कर रहे हैं, शोल्डर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो सिर्फ डेल्टॉइड को ही ट्रेन नहीं करना, आपने रोटेटर के मसल्स को भी ट्रेन करना है, जो इनर मसल्स हैं जो आपके शोल्डर को सपोर्ट कर रहे हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप इनकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको रोटेटर कफ के मसला हो जाएगा या इंजरी हो सकती है। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मुझे भी इसी वजह से हुआ था, मसल इंबैलेंस की वजह से एक मसल स्ट्रॉन्ग था तो दूसरा वीक था। अब फिलहाल मैं सब मसल्स की वर्कआउट करता हूँ, जैसे जैसे नॉलेज में इजाफा हो रहा है तो मुझे पता है कि कौन सा मसल किसको सपोर्ट कर रहा है, मैं उसका भी वर्कआउट करता हूँ और साथ ही साथ मिरर मसल्स का भी वर्कआउट करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।